हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? होप करती हूँ अच्छे ही होगे। गाइज, आज हम लोग घूमने निकल दिए हैं। मेरा मन नहीं लग रहा था तो मेरे हस्बैंड बोले चलो आज मैं तुम्हें घुमा के लाता हूँ। कहाँ जाना है ये पता नहीं है। धूप भी तेज़ पड़ रही है आजकल, तो मैं शाम को 6 बजे निकली हूँ। और मैं और मेरे हस्बैंड, मेरी बेटी, सब स्कूटी से ही निकल दिए हैं, क्योंकि मुझे ना स्कूटी पे ही जाना अच्छा लगता है। और शाम हो गई थी तो धूप उतनी नहीं लग रही थी, हल्की हल्की ही लग रही थी। और ये देखिए हमारी बिटिया यहाँ मज़े कर रही हैं। यहाँ ढेर सारे फ्लावर लगे हुए हैं, उसी पे इनका मन जा रहा है। और ये वहाँ से तोड़ने की कोशिश कर रही है, क्योंकि वो ना अक्सर फ्लावर तोड़ती है और मुझे देती है, मम्मा आई लव यू। उसके पापा उसे तोड़ के रही है, ये देखिए आई लव यू कर रही है। इसका यही चलता है। फिर हम लोग पेट्रोल वहाँ से भरा के निकल दिए आगे। और हमारी बिटिया का यही हाल है, खड़ी होके ही जाते, इसलिए जल्दी इसको कहीं धूप में भी नहीं ले जा सकती। हम लोग इसीलिए शाम को गई। 4-व्हीलर में अच्छा नहीं लगता, मज़ा नहीं आता मुझे घूमने में। देखिए यहाँ के नज़ारे, ये है कनाट प्लेस। पहुँच गए हैं अब हम लोग वहाँ पे। थोड़ा बहुत हम लोग वहाँ पे पहुँच के घूमे फिरे, खाए पिए। हमारी बेटी भी मज़े कर रही थी, अच्छा लग रहा था। लोग बहुत दूर दूर से आते हैं यहाँ पे वीडियो बनाने, मैंने अक्सर देखा है। और मैं भी चली गई, पहुँचते मेरी बिटिया वहाँ पे जूस पीना शुरू की। मैं मांग रही थी बेटा मुझे भी दे दे थोड़ा सा, नहीं दे रही है, इसे जूस बहुत पसंद है। अपना वो जूस ख़त्म करके पैदल पैदल निकल दी हैं घूमने। ये देखो रुकी नहीं रही है, कब से कह रही हूँ को आ जा रुक जा। मेरे हस्बैंड यहाँ अपना अलग ही मस्त, वो अपने ही धुन में रहते हैं। चलते जाते मेरे कदम तो ज़्यादा बढ़ ही नहीं पाते हैं। फिर हम लोग ऐसे ही थोड़ा सा घूमे फिरे और खाए पिए। ये है कुहू का लॉलीपॉप, इनको तो तरह तरह का चीज़ चाहिए, बस जो भी दिख जाए सब चाहिए। हम लोग वहाँ पे थोड़ा सा घूमे फिरे, फिर वहाँ के बाद हम लोग निकल दिए। कहाँ गए अभी आपको दिखाती हूँ आगे वीडियो में, हमारे वीडियो में बने रहिएगा, दिखाती हूँ इसके बाद हम लोग कहाँ जा रहे हैं घूमने। सामने बार है तो मेरे हस्बैंड कह रहे हैं चलोगे क्या वहाँ पे, लेकिन क्या ही करे, देख के ही मन वो हो जा रहा है। मन जाने का मन तो है बट क्या करूँ, बच्ची ये नहीं जा सकती। उसके बाद हम लोग वहाँ से निकल दिए। और उसके बाद ये देखिए ये बंगला साहिब गुरुद्वारा अब हम लोग पहुँचने वाले हैं। पहुँचने के बाद दिखाते हैं वहाँ के नज़ारे। हमारी वीडियो में बने रहिए। ये आ गए हम लोग बंगला साहिब गुरुद्वारा। और ये वहाँ से हम उतर गए हैं और ये वहाँ का एंट्रेंस है। पता है गाइस इतनी धूप लग रही है, मतलब लग ही नहीं रहा है कि शाम के 6:30-7 बज रहे हैं। बस हाँ ये है, जैसे ही अंदर एंटर किए धूप कम हो गई। पहले वहाँ पे जैसे पानी से पैर धुलते हैं फिर आगे एंटर करते हैं। वहाँ पहुँचते ही अच्छा लगता है, काफ़ी शांति मिलती है। और वहाँ पे गाइस फ़ोन वगैरह अलाउड नहीं है, मतलब फ़ोटोज़ निकालना अलाउड नहीं है। फिर भी मैंने चोरी छिपे थोड़ी बहुत फ़ोटोज़ तो निकाल ही ली, अब घूमने गए तो फ़ोटोज़ तो निकालना बनता है। गाइस वहाँ के नज़ारे देखिए, काफ़ी अच्छा है, बहुत ही शांति मिलती है। आप भी आइए और यहाँ पर ज़रूर घूमिए। बहुत लोगों से सुना था कि एक बार जाओ वहाँ पे भी घूम के आओ, तो मैंने सोचा क्यों ना आज ही घूमा जाए। ये देखिए वहाँ पे छोटी छोटी मछलियाँ कैसे तैर रही हैं। वहाँ पे गाइस जहाँ पे ये मछलियाँ थी ना, वहाँ पे बैठने में अच्छा तो लग रहा था, बट जाते देर बैठने ही नहीं देते हैं। पता नहीं वहाँ के लोगों का क्या रिचुअल है, बैठने ही नहीं देते हैं। मैंने भी थोड़ा सा वीडियोज़ बनाया, फ़ोटोज़ क्लिक की और वहाँ से निकल दी। गाइस आप भी यहाँ पे ज़रूर आएं, और अगर आना हो तो आप ठंडक में आइए, गर्मी में उतनी अच्छी नहीं लगती है, क्योंकि ये सारे ना मार्बल्स पत्थर के बने तो ज़्यादा ही गर्म होती है इस वजह से।
लेकिन अच्छा है, काफ़ी सुंदर, साफ सुथरा है, बहुत ही शांति मिलती है। सो गाइज, आप भी यहाँ पे एक बार जरूर आएँ और आप बताइए हमारा वीडियो आपको कैसा लगा। हमारे वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए अपना प्यार बनाए रखिएगा। बाय बाय।